नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस टीवी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। रात के 8:30 बज चुके हैं। ये वक्त है हरियाणा विशेष का। हरियाणा विशेष में हम उठाते हैं वो मुद्दे जिनका सीधा सरोकार होता है आपसे। हम बात करते हैं आम लोगों के हक और हुकूक की, उनकी परेशानियों की। इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे बिजली विभाग को लगे झटके की। जी हां, बिजली विभाग को ये तगड़ा झटका उपभोक्ताओं और सरकारी दफ्तरों ने दिया है, जिन्होंने बेधड़क होकर बिजली का उपयोग किया लेकिन आज तक बिजली विभाग का करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया। नतीजा, सूबे का बिजली विभाग करोड़ों रुपए के घाटे में है और कंगाल हो गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट, बिजली बिल का करंट विभाग पर हजारों करोड़ का बकाया। सालों से हरियाणा में चुनावी मुद्दा रही है बिजली। कभी किसी दल ने मुफ्त बिजली देने का वायदा किया तो किसी ने बिजली बिल माफ करने की बात कही। शायद यही वजह है कि सूबे में बिजली बिल के भुगतान को लेकर उपभोक्ताओं ने कभी रुचि नहीं दिखाई। नतीजा, राज्य में बिजली बिल का बकाया 5,000 करोड़ के करीब पहुंच गया। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि प्रदेश को के हर जिले में बिजली के बिलों की करोड़ों की राशि अभी भी बकाया है। आलम यह है कि हरियाणा का बिजली वितरण निगम धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ता जा रहा है। बिजली विभाग को लगा तगड़ा झटका। सूबे में 5,000 करोड़ बिजली बिल लटका। हरियाणा में सभी राजनीतिक दलों ने सत्ता पाने के लिए बिजली को हमेशा एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। वोटरों को लुभाने के लिए कभी मुफ्त बिजली देने की लालच दी गयी तो कई बार बिजली बिल को माफ भी किया गया। लेकिन आज हालत ये है कि प्रदेश के हर जिले में उपभोक्ता बिजली के बिल को भरने में कोताही बरत रहे हैं। और हरियाणा में जमकर हो रही है बिजली चोरी, जिसकी वजह से हरियाणा विद्युत विभाग कंगाली की कगार पर आ गया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हरियाणा में किस जिले पर कितना बिजली का बिल बकाया है। अम्बाला 46,43,00,000 रुपए, यमुनानगर 66,36,00,000 रुपए, करनाल 141,02,00,000 रुपए, कुरुक्षेत्र 57,15,00,000 रुपए, कैथल 176,92,00,000 रुपए, सोनीपत 195,26,00,000 रुपए, रोहतक 533,03,00,000 रुपए, झज्जर 292,73,00,000 रुपए, जींद 898,48,00,000 रुपए, भिवानी 571,39,00,000 रुपए, फरीदाबाद 543,50,00,000 रुपए, गुड़गांव 315,79,00,000 रुपए, हिसार 456,91,00,000 रुपए, नारनौल 148,06,00,000 रुपए, रेवाड़ी 218,30,00,000 रुपए, सिरसा 28,72,00,000 रुपए। इन आंकड़ों को देखकर यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। सवाल ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में बिजली बिल का बकाया होना उपभोक्ताओं के साथ साथ सरकारी महकमे पर भी सवाल खड़ा करता है। बिना अफसरों के मिलीभगत के इतनी बड़ी मात्रा में बिजली चोरी संभव नहीं है। बिजली विभाग ने आज तक बकाया बिलों को भरवाने के लिए सख्ती क्यों नहीं दिखाई? बिजली बिलों की बकाया राशि को लेकर और विभाग को हो रहे करोड़ों के नुकसान को लेकर सूबे के बिजली मंत्री ने क्या सफाई दी है, आप खुद सुन लीजिए। जिसमें जो है 6 किस्तों में देने पड़ेंगे लोगों को, जिनके बिल बकाया हैं और उनके जितने बिल भरेंगे उतने परसेंटेज उनके माफ करते जाएंगे। तो नई स्कीम चलाई है, उसमें जो है बकायदा उसके बारे में हमने पब्लिसाइज कर दिया है, तो जो भी कोई इसमें आना चाहे वो आ सकता है। हालांकि हरियाणा में करोड़ों रुपए की बिजली की बकाया राशि को वसूलने के लिए सरकार ने हाल ही में एक योजना चलाई है, जिसमें उपभोक्ता अपने बिजली के बिलों को 6 किस्तों में जमा करा सकते हैं। लेकिन फिर तस्वीर में ज्यादा सुधार नहीं दिखाई दिया। बड़ा सवाल ये भी है कि बिजली की कमी का रोना रोने वाला सरकारी महकमा बिजली की इस हीला हवाली पर क्यों कोई एक्शन नहीं लेता। रेवाड़ी से पवन कुमार, फोकस टीवी हरियाणा। जहां बिजली विभाग को झटका सिर्फ आम लोगों ने नहीं दिया, बल्कि बिजली विभाग को चूना लगाने में सरकारी विभाग भी पीछे नहीं है। पिछले कुछ दिनों में सूबे के तमाम सरकारी विभागों ने बिजली की जमकर बर्बादी की है और बिजली विभाग को 640 करोड़ रुपए का तगड़ा करंट लगाया। ये राशि बिजली विभाग के खाते में कब पहुंचेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता।
सूबे में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बिजली की कमी को लेकर हर शख्स परेशान है, लेकिन बिजली विभाग का रोना शायद किसी को सुनाई या दिखाई नहीं देता। बिजली विभाग की हालत बेहद पतली है। एक तरफ तो बिजली की किल्लत है, वहीं दूसरी तरफ विभाग को बिजली के बिल का भुगतान नहीं हो रहा है। दक्षिण हरियाणा के सिर्फ भिवानी जिला सर्कल में सरकारी विभागों का बिजली का बकाया सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसमें भिवानी जिले के बिजली उपभोक्ता पर निगम का 640 करोड़ रुपए का बिल बकाया है, जिनमें 65 करोड़ रुपए अकेले सरकारी विभागों का बकाया है। आज जाकर निगम अब सख्ती करने को मजबूर हो गया है। 640 करोड़ रुपया भिवानी जिले में बकाया है, जिसमें सरकारी में 65 करोड़ रुपया और बाकी आम उपभोक्ताओं पे है। बकाया राशि न मिलने से परेशान बिजली विभाग ने अब भिवानी भीम स्टेडियम और लोहारू राजकीय महाविद्यालय के बिजली के कनेक्शन काट दिए हैं। साथ ही बिजली का बिल न भरने को लेकर रेलवे विभाग को नोटिस भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, निगम ने आम लोगों पर नरमी दिखाते हुए ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत साल भर के 1,440 रुपए भरने पर उनका पिछला सारा बकाया माफ कर देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब बिल न भरने वालों को लाल बिल भेजकर चेतावनी दी जाएगी और ये लाल बिल मिलने के बाद भी भुगतान न करने पर उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट के लिए लागू की है, जिस गांव में भी 80% लोग अपने कनेक्शन ले लेंगे और मीटर बाहर करवा लेंगे, उनको वन टाइम सेटलमेंट में अमाउंट सेटल की जाएगी, जिससे कि उनका ब्याज खत्म हो जाएगा। 1 किलोवाट पे 1440 रुपए पर ईयर के हिसाब से पैसे जमा होंगे और 2005 से पहले जो एक योजना हुई थी वो पैसा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिजली विभाग की इस दरियादिली से खुश बिजली उपभोक्ता ने विभाग की वन टाइम सेटलमेंट और लाल बिल योजना की सराहना की है और कहा कि इससे जहां पिछली भारी भरकम राशि न भरने की राहत मिलेगी, वहीं लाल बिल से किसी कारण बिल न भरने या भूल होने पर चेतावनी भी मिलेगी। बहरहाल आर्थिक तंगी से गुजर रहे बिजली विभाग की नरमी समझ से परे है। अब देखना होगा कि विभाग की लुभावनी योजनाओं और लाल बिल के सख्त नियम से निगम को कितना बकाया बिजली का बिल मिल पाता है और घाटे में चल रहा बिजली विभाग अपने घाटे से कितना उबर पाता है। भिवानी से जगबीर घनघस की रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा। तो बड़ा सवाल है और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे आरके जैन, पूर्व निदेशक हैं हरियाणा बिजली वितरण निगम के। स्वागत है जैन जी आपका, और साथ ही चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले आदित्य आपका रुख करेंगे। आदित्य, ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं और विभाग की इसे लापरवाही कहेंगे या क्या कि इतनी बड़ी राशि अभी भी बकाया है?